छोटे से क्वेश्चन से पहले शुरुआत करते हैं। तो ये मान लेते हैं ये एक यूनिफॉर्म रोग है एंड इसकी मास पर इनिटनेस आपको म्यू दी हुई है एंड इस पूरे रोग को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन कर रहे हैं। इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, दिस रेडियस इज आर एंड दे हैव सेड अस दैट हम लोग इस लूप में क्या करते हैं, एक पल्स जनरेट करते हैं। मान लो कि इसमें एक पल्स जनरेट किया गया है, तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है कि ये पल्स भी क्लॉकवाइज घूम रहा हो या फिर ये पल्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। दो पॉसिबिलिटीज आपके पास बन रहे हैं, तो ईदर द पल्स कैन बी जनरेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यू आर सपोज टू कंसिडर बोथ द केसेस। सो कंसिडरिंग दीज टू केसेस कि पल्स आपके क्लॉकवाइज जनरेट हो रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहे हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, आपको फाइंड करनी है। So if a transverse wave pulse, is generated in the rope, find the velocity of wave with respect to ground. Find the velocity of wave with respect to ground. Considering two cases. Pehla hai, clockwise pulse is generated. And dusra, anti-clockwise pulse. ठीक है। अब आपको इसके सॉल्यूशन में क्या चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है आपको? पहली चीज ये कि ये जो हम वेलोसिटी की वैल्यू को रूट अंडर टी बाई म्यू लिखते थे, आपको याद है ये वेलोसिटी की वैल्यू रूट अंडर टी बाई म्यू कब वैलिड है या किसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू रोप। आपका रोप इसमें स्ट्रेस पे रहता था, याद है आपको? आपको याद है रोप क्या हमारा मूव करता था? जिस भी स्ट्रिंग में हम वेव जनरेट करते थे तो वो वेव स्ट्रिंग क्या मूव करता था? क्या स्ट्रिंग तो फिक्स रहता था ना? बट दिस वेलोसिटी विल बी विद रिस्पेक्ट टू रोप एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे रोप जो है वो खुद मूव कर रहा है ना, दिख रहा है आपको? Do you see that? हाँ सर, हाँ सर। इसलिए v equal to root under t by mu आप ground के respect में नहीं बोल सकते, ये अभी भी आप बोल सकते हैं, but with respect to rope बोल सकते हैं, ठीक है? तो पहला काम होगा आपका टेंशन निकालना, क्योंकि टेंशन निकाल के आप यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। ये टेंशन निकालने का तरीका तो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि आप इस इस स्ट्रिंग के लिए आप इसको दो हाफ में डिवाइड कर दो, एकदम बिल्कुल डायमेट्रिकली इसको दो हाफ में डिवाइड करके। तो अगर मैं एक हाफ ऑफ सेमी सर्कल अगर इसका ड्रॉ करता, एक हाफ ऑफ सेमी सर्कल अगर इसका ड्रॉ करे, तो ऐसा कोई रोप हमें मिल रहा है, इस एंड पे एक टेंशन टी एंड इस एंड पे भी टेंशन टी, ये सेमी सर्कुलर हाफ का दिखा रहे हैं एंड पूरा का पूरा रोप ही अगर सेमी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ऑब्वियसली ये हाफ भी आपका सेमी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। इस हाफ का जो सेमी सर्कुलर हाफ का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितने डिस्टेंस में होता है? 2r / पाई पे, 2r / पाई पे दिखाया, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? ओमेगा स्क्वायर इनटू 2r / पाई। तो हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? 2t इज द नेट फोर्स एंड दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास व्हिच इज म्यू इनटू लेंथ, लेंथ विल बी पाई r, हाफ ऑफ सर्कल, ये हुई मास, इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू 2r / पाई लिख लेंगे। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया एंड वैल्यू जो टेंशन की आपको मिल गई दैट इज म्यू इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू r स्क्वायर। सो देयरफॉर ये जो v है इसको अब मैं v रिलेटिव लिख दे रहा हूं, ठीक है, v रिलेटिव। सो देयरफॉर v रिलेटिव अगर निकाले तो v रिलेटिव की वैल्यू मिल गई रूट अंडर t / म्यू, t इज म्यू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय म्यू, तो वैल्यू कितनी आ रही है? ओमेगा इनटू आर आ रही है, एग्जैक्टली उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू है जितनी वेलोसिटी ऑफ रोप के एलिमेंट्स हैं। तो रोप के एलिमेंट्स कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं? ओमेगा से मूव कर रहे हैं।
राइट दिख रही है ठीक है तो हाँ, अब सोचो ये जो दो केसेस हमें उन्होंने दे रखा है क्लॉकवाइज पल्स एंड एंटी क्लॉकवाइज वाला तो क्लॉकवाइज पल्स में वो रो खुद आगे जा रहा है तुम ऐसे सोच रहे हो फर्स्ट केस को अगर आप देखोगे एनालाइज करोगे फर्स्ट केस को तो ये सोचो कि अगर ये रोप है ठीक है ये रोप आपका खुद जा रहा है कितने से वेलोसिटी ऑफ रोप अगर लिखें तो ये है ओमेगा इनटू आर है ना मैं जस्ट इसको सीधा दिखा रहा हूं एनालाइज करना आसान हो और इसमें आपने एक पल्स भी जनरेट कर रखा है और ये पल्स भी आपका इस तरफ ही जा रहा है विद अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ओमेगा तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया 2 ओमेगा हो गई समझ आई आपको अरे समझ आइए सभी को डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अरे कम से कम अपनी आवाज तो सुना दो मुझे पता तो चलता है कि हाँ आप लोग इतने दिन के बाद हो या नहीं हो यस सर अभी सेकंड केस में उसने क्या किया है रोप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो पीछे की तरफ दिखा देते हैं वेलोसिटी ऑफ रोप एंड ये आपका वेव आपका इस तरफ जा रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी इसकी ओमेगा आर है तो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हुई अरे ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर कितनी हुई जीरो अरे ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे आप यू नो घर पे अगर ट्रेडमिल है ट्रेडमिल का जो मैट है वो पीछे जाता है और ट्रेडमिल के मैट के ऊपर हम आगे चलते हैं बट हम क्या एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्प्लेस करते हैं क्या ट्रेडमिल पे जब चलते हैं तो नो सर नहीं ये क्या वही सिचुएशन है या नहीं देखो तो दिख रही है आपको तो एग्जैक्टली वही सिनेरियो है यहाँ पे आई होप सबको समझ आ गई है हाँ सर हाँ सर ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं Transverse waves at top is V naught. Find how should the linear mass density be varied with distance y from top so that velocity of wave is a constant ये इसको निकालना है एक चीज कॉमन सेंस से देखो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे टेंशन भी बढ़ता जाएगा ना हाँ सर राइट अब अगर टेंशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली लीनियर मास डेंसिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि velocity of wave आपकी constant रहे समझ आ रही है क्योंकि v की value root under t by mu है तो अगर मैं कह रहा हूँ if अगर मैं कह रहा हूँ कि v की value root under t by mu है and this is a constant इससे आपको ये पता चल रहा है कि if mu का value increase करेगा तो इसका मतलब tension का value भी increase करना चाहिए समझ आ रही है मतलब जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो tension increase कर रही है तो mu भी increase करेगी ठीक है और इसी वजह से देखो नीचे की तरफ मैंने पतला दिखाया क्योंकि नीचे की तरफ आपका टेंशन घट रहा है तो टेंशन घटेगा तो उसका म्यू भी घटना चाहिए समझ आ रही है यस सर ठीक है अब इसमें क्या करेंगे देखो जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया ऊपर से नीचे वाई डिस्टेंस पे चले जाते हैं यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा एलिमेंटल स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं ठीक है इसकी थिकनेस हमने डी वाई कंसिडर कर रखा है तो ये जो छोटा सा सेक्शन हम यहाँ पे बना रहे हैं ये जो छोटा सेक्शन है यहाँ पे ये छोटी सेक्शन है इस छोटे सेक्शन के ऊपर में मान लेते हैं टेंशन टी है नीचे में टी प्लस डी टी मान लेते हैं
ये dt पक्का है नेगेटिव क्वांटिटी होगी, होगी नहीं होगी? इससे घट रही है, घट रही है ना, ठीक है। तो घटते हुए चीज को भी आप प्लस dt करके दिखाते हैं, मैथमेटिक्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, मैथमेटिक्स खुद अपना ध्यान रखेगा, ठीक है। मैं अब आप उस छोटे से एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस छोटे से सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, ये छोटा सा सेक्शन है हमारे लिए, इस छोटे सेक्शन के लिए क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म मान सकते हैं ना, क्योंकि इसका थिकनेस कितना है, dy है ना, राइट, ठीक है, बहुत छोटा सा है। तो ऊपर में टेंशन था t, नीचे में था टेंशन t प्लस dt, और इसका एक खुद का वेट होगा dm into g, लिख सकते हैं सर? हाँ सर, ठीक है। हाँ, और ये स्ट्रिंग तो ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, तो स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिख लेते हैं। तो ऊपर का फोर्स है t एंड नीचे का फोर्स है dm into g and plus t plus dt, dt gets cancel out, and अगर आप ध्यान से देखेंगे तो dt की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दिख रही है आपको? हाँ सर, ठीक है, और वो आना ही चाहिए था, that was logical also, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो टेंशन घटना चाहिए था। अब dm की वैल्यू को क्या लिखोगे, can this be written as minus of mu into dy into dy, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, ठीक है, ये एक रिलेशन है टेंशन mu के बीच में, ठीक है, y के साथ भी रिलेशन है, तो तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल तो ऐसे सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का सोचना पड़ेगा, मतलब इधर आपको टेंशन को म्यू के टर्म्स में लिखना पड़ेगा या म्यू को टेंशन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। और इसके लिए एक रिलेशन है जो अभी तक आपने यूज नहीं किया, कौन सा कंडीशन यूज नहीं किया हमने अभी तक, वेलोसिटी ऑफ वेव कॉन्स्टेंट है क्या मैंने अभी तक यूज किया है? नो सर, नहीं, तो वो कंडीशन को अब यूज करेंगे हम, तो वो कंडीशन यूज कहां से होगा, देखो ये वाले रिलेशन से, क्या इससे t की वैल्यू को मुझे म्यू इनटू v नॉट स्क्वायर, v नॉट वाज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव, देखो ये दिया हुआ था, इसको v नॉट लिख लेते हैं, ठीक है, तो t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू मिल गई ना, तो इसका मतलब dt की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, dt की वैल्यू विल बी d म्यू इनटू v नॉट का स्क्वायर, लिख सकते हैं? हां सर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dt की वैल्यू अगर इक्वेट किया तो d म्यू इनटू v नॉट का स्क्वायर शुड बी माइनस ऑफ म्यू g इनटू dy, एंड वैल्यूज को आप सेपरेट करके आप इंटीग्रेट कर लो, डी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर इनटू डीवाई, हो गया, इसको इंटीग्रेट करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ऊपर टॉप एंड पे तो म्यू नॉट था एंड वाई डिस्टेंस पे हमने म्यू माना था, तो जीरो से लेके वाई तक इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सो दिस बिकम्स ln ऑफ म्यू बाय म्यू नॉट एंड दैट बिकम्स माइनस ऑफ जी इनटू वाई डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर, सो देयरफॉर म्यू की वैल्यू बिकम्स म्यू नॉट into e to the power minus of gy divided by v naught square, okay, answer. समझ आ गई सबको? हाँ सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ transverse traveling wave in a stretched string compare the kinetic energy density, मतलब kinetic energy per unit length, and the potential energy density at a given location in a given time. ठीक है, मतलब कहां पे काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी ज्यादा है या कम है, ये आपको कंपेयर करके चेक करना है। ठीक है, ये पोटेंशियल जी, मतलब ये इलास्टिक पोटेंशियल जी की डेंसिटी बात करें, ठीक है, EP लिख लीजिएगा, इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी। अब एक बार करके देखते हैं तो फिर समझ आएगा कि क्या मीन कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हमने एक ट्रैवलिंग वेव जनरेट कर रखा है, लेट अस कंसीडर हमने एक ट्रैवलिंग वेव जनरेट कर रखा है यहाँ पे, और ये वेव हमारी राइट की तरफ जा रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो रूट अंडर टी बाई म्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चले जाते हैं, लेट अस से दिस इज x इक्वल टू x
एंड यहाँ पे एक छोटा सा लोकेशन और आगे मूव हो गया है, x इक्वल टू x प्लस dx है ये, ठीक है। कैपिटल x इक्वल टू कैपिटल x, बेसिकली वो स्मॉल x नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो x इक्वल टू x प्लस dx फिर लिखना गड़बड़ लगेगा। कैपिटल x जस्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए, एंड x लोकेशन है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जो कि dx लेंथ का है, और वो dx लेंथ का जो स्ट्रिंग है उसकी स्ट्रेचिंग हो रखी है, दिख रहा है आपको? ये सब स्ट्रेचिंग वाली बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी क्लास में, आपको याद है? Do you remember this? Do you remember this? ये देखो ये छोटा सा एलिमेंट ऑफ लेंथ एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग है, वो स्ट्रेच हो रखा है। आपको ये चीज ऑलरेडी मैंने समझाई थी, कंपेयर करना कहाँ पे ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल जी होता है कहाँ पे कम होता है ये सिखाया था, बट अभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल जी को ही कंपेयर करना है। यहाँ पे वो टारगेट है हमारा कि कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम ऐसे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें इसको, तो इसमें ये लेंथ जो है हमारा ये लेंथ है dx का, बट ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ dx नहीं है, ये थोड़ी सी ज्यादा होगी, होगी ना? हाँ सर। ये लेंथ को हम लोग मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज दिस लेंथ इज dl से, ठीक है, dl मान लेते हैं। ये dl को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता था, याद है हम इसको y लिखते थे, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, याद है आपको? Yes, अरे तो अगर x प्लस dx लोकेशन पे जाए तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा y प्लस dy की तरह, होगा ना? y प्लस dy, राइट? मतलब लोकेशन आपने थोड़ा सा चेंज किया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो उसके लिए y प्लस dy लिख लिया। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग जो आपको दिख रहा है ऐसा कुछ दिख रहा है, ये है dl लेंथ का स्ट्रिंग और पहले उसका लेंथ था dl का dx का, एंड वर्टिकली उसमें जितना डिस्प्लेसमेंट आया है दोनों एंड के बीच में वो डिस्टेंस dy है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी दैट? यस सर। तो अगर मैं dl की वैल्यू को एक्सप्रेस करूं dx और dy के टर्म्स में, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, √√ x का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर लिख सकते हैं इस पे सर? हां सर। अब अगर मैं dx को बाहर निकाल लूं तो ये इसको लिख सकते हैं आप √√1 प्लस dy / dx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर? हां सर। आपको एक चीज याद है, मैंने आपको जब वेव पढ़ाई थी तब आपको एक चीज समझाई थी कि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत छोटा है, और एम्पलीट्यूड छोटा होने से एक एडवांटेज ये होता है कि जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप हर जगह छोटा आएगा, आपको याद है ये चीज? डू यू रिमेम्बर दैट? याद है आपको? मतलब ये जो डीवाई बाई डीएक्स मीन पोजीशन में सबसे ज्यादा टेंजेंट होता है, टेंजेंट का वैल्यू मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा टेंजेंट स्टीप होता है, बट एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा छोटा कंसीडर करना है। एम्पलीट्यूड अगर आप छोटा कंसीडर करोगे तो ऑब्वियसली उस केस में जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट ज्यादा स्टीप नहीं ड्रॉ होगा, आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो टेंजेंट जो है यहाँ का ज्यादा स्टीप नहीं हो सकता, तो इसी वजह से डीवाई बाई डीएक्स जो है वो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही दे रहा है, तो वो वाली क्वांटिटी पक्का है बहुत छोटी वैल्यू होगी, समझ आ रही? वन के कंपैरिजन में, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, सो ये वाली क्वांटिटी जो है दिस क्वांटिटी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस क्वांटिटी विल बी वेरी लेस कंपेयर्ड टू वन सिंस वी कंसीडर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड वेव। ठीक है, तो इससे आप कैसे लिख सकते हो इसको? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे इससे, तो क्या बन जाएगा देखो, तो dl की वैल्यू को हम लिख सकते हैं dx अप्रोक्सीमेट करेंगे 1 प्लस हाफ ऑफ dy / dx का होल स्क्वायर, दिख रही है आपको? हां सर। तो अब देखो पहले उसका लेंथ था dx एंड अभी स्ट्रेच होके जो लेंथ हो गया है वो हो गया dl, तो इलोंगेशन कितना हुआ उस पार्ट में ये आपको पता चल रहा है? dl - dx। सो इलोंगेशन इन दिस एलिमेंट Elongation in this element of length dx is इसको ऐसा लिख लेते हैं d delta l लिख लेते हैं, ठीक है, d delta l, तो ये हो जाएगा dl - dx लिख लेंगे, और dl - dx करोगे तो देखो तो अब क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ half of dy / dx का whole square into dx, ये आएगा ना? dx तो कट जाएगा, ठीक है। अब elongation अगर इतनी हुई है तो स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग फोर्स है इसको इलोंगेट किसने किया है? स्ट्रिंग के स्ट्रेचिंग फोर्सेस ने तो इलोंगेट किया है, जो टेंशन है, तो वो टेंशन ने कितना वर्क किया होगा वो आप निकाल सकते हैं कि स्ट्रिंग का जो पुलिंग फोर्स है वो टेंशन टी है, एंड इलोंगेशन जितनी आई है वही तो डिस्प्लेसमेंट होगी ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की,
याद है फोर्स का वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो जितना इलोंगेशन हुआ वही तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? हां सर. सो देयरफॉर वर्क डन बाय टेंशन अगर कैलकुलेट करें, वर्क डन बाय टेंशन इन प्रोड्यूसिंग दिस इलोंगेशन gets stored as elastic potential energy. Therefore, अगर du की वैल्यू लिखें तो इसको लिख सकते हैं t times of d delta l. Do you get that? Force multiplied by elongation. समझ आई? हाँ सर. ठीक है. And therefore this becomes t into, अब इसको लिख सकते हैं half of dy by dx का whole square into dx. तुम देखो हमने elastic potential energy कितनी आ गई है वो निकाल ली है. उसने इलास्टिक पोटेंशियल जो डेंसिटी निकालने बोला था, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेंसिटी, ये बेसिकली डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में, ये उसने ऑलरेडी कह रखा था आपको क्वेश्चन में. तो इलास्टिक पोटेंशियल जो डेंसिटी विल बी डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. गॉट इट? ठीक है ना? ठीक है. इससे आपको इलास्टिक पोटेंशियल की डेंसिटी तो मिल जाएगी. आपको y as a function of x अगर पता है तो आप तुरंत से यहां से इलास्टिक पोटेंशियल की डेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने जो चूज किया है हमेशा कैसा चूज किया, आपको अगर याद हो, y as a function of x and t, a sin omega t minus kx, आपको याद है? Yes, sir, ma'am. Right? तो dy by dx मतलब बेसिकली del y by del x ही निकालना की तरह है. del y by del x अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? a into minus k and into cos of ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही मिलेगा ना आपको? मिलेगा? इसकी वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ ऑफ टी इंटू ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स. ठीक है ना? ठीक है. हाँ सर. ओके, टी की वैल्यू को म्यू और वी के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ टी की वैल्यू को म्यू इंटू वी स्क्वायर लिख लिया, इसको a square रहने दिया, और k की वैल्यू को भी omega by v लिख लिया, इसका square, and then cos square of omega t minus of kx हो जाएगा. So this becomes half mu v into omega square into a square into cos square of omega t minus of kx. ठीक है ना? रिलेशन देख लो एक बार, चेक करो. तो v square कट जाएगा ना? कुछ गलत किया बेटा मैंने? तो v square पर एक, अच्छा अच्छा हाँ हाँ, एक भी एक्स्ट्रा लिख दिया, एक भी एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने. ठीक है, एक भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है ना? हाँ सर. ठीक है भी? यस सर. हाँ सर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो चलो हमने इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी निकाल ली है, अब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं. तो ये एलिमेंट का जो काइनेटिक एनर्जी है, आपको याद है काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर करके, एंड वी ये तो एस एच एम वाला है ना, है ना? आपको याद है पार्टिकल्स एस एच एम कर रहे हैं, याद है आपको? हाँ सर. जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी, ये इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम लिखते थे एट अ पोजीशन x एट अ टाइम t, ये क्या लिखते थे याद है आपको? डेल y बाय डेल t लिखते थे ना, राइट? है ना? तो बस इसी को तो आपको हाफ एम वी स्क्वायर कर लेना है, काम खत्म हो जाएगा. m की जगह बस dm लिखना है, एंड dm को म्यू dx करके फिर निकाल लेना है. तो अब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे, देखो नाउ काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं डीके डीके ई कर लेते हैं, ज्यादा सिंबॉलिक हो जाएगा. डीके ई दैट बी हाफ ऑफ डीएम इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर. वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करें, इसको लिखा म्यू डी एक्स, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को लिखा डेल वाई बाय डेल टी, एंड इसका स्क्वायर कर लिया. फिर इसको लिखेंगे तो हाफ ऑफ म्यू इनटू डी एक्स, एंड इसको लिख सकते हैं आप ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ केएक्स. देखो तो सही है क्या? सही है. सो यहां से क्या मिल रही है आपको? काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी देखो मिल जा रही है. सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी दैट क्वांटिटी इज डी के ई डिवाइडेड बाय डी एक्स. ये डेंसिटी पर यूनिट लेंथ पे ध्यान रखना, ठीक है? That is coming out to be half mu. ये एक standard result है, half mu into del y by del t का whole square. And उसके बाद अब आपको del y by del t पता है, तो आप substitute करके तुरंत निकाल लेंगे. So इससे मिल रही है आपको half of mu into omega square a square
इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ केएक्स। आप एक चीज नोटिस करो, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली सेम आई है। इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को कंपेयर करो, देखो दिख रही है आपको? हाँ एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। इसका मतलब जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहां पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी भी ज्यादा है ना। और ये चीज आपको अगर याद हो तो मैंने एनालिटिकली आपको समझाया था ऑलरेडी कि जो पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से क्रॉस करते हैं वो पार्टिकल का ही स्लोप सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पे डिफॉर्मेशन भी सबसे ज्यादा है, ठीक है नहीं है? और जो पार्टिकल अपने एक्सट्रीम एंड ऑफ ऑसिलेशन में है उसकी वेलोसिटी जीरो है, और अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें उसमें वहां पे इलोंगेशन भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं, मतलब इलोंगेशन है ही नहीं। जैसे इसको कंपेयर करते हैं अगर आप ये वाले पार्ट को, तो यहाँ पे तो कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं दिखता। क्या दिखता है आपको डिफॉर्मेशन यहाँ पे? नो सर, नो सर। नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और यहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो। तो कंपैरिजन जो करना करने के लिए उन्होंने बोला था हमें, तो कंपैरिजन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी एज इक्वल टू द पोटेंशियल की डेंसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। ठीक है, बट दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ साइनसोइडल वेव। साइनसोइडल वेव है तभी के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो फाइनली एंड रिजल्ट जो मैच किया वो किसके लिए मैच किया है? साइनसोइडल के लिए मैच किया ना, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करके फिर निकाला ना, है ना? हाँ सर। साइनसोइडल नहीं होता तो ये मैच नहीं करता, बट हमारे लिए तो सिर्फ सिंपल हार्मोनिक वेव ही डील कर रहे हैं, इसलिए आराम से वो हमारे लिए मैच कर रहा है। सो यहाँ से हमने फाइनली जो हमने सीखा वो ये सीखा कि काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी at a given location, and ये भी हमने सीखा कि kinetic energy की density is maximum at locations where particles cross their mean position, cross their mean position. And kinetic energy density is zero at locations where particles are at extreme ends of oscillation. Extreme ends of oscillation. समझ आ गई सभी को? क्लियर है सभी को? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बेटा। बोल रहा था कि सर क्वेश्चन में ये बोला कि काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा जोर बोलिए क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मेरे पास, थोड़ा जोर बोलेंगे? सर अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि मतलब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी वर्ड यूज किया, तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि पर यूनिट लेंथ करना पड़ेगा तो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, स्पेसिफाई कर देंगे वो। नॉर्मली अगर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी बोले तो पर यूनिट वॉल्यूम ही करना, समझ आ रही है? अगर इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी बोल रहे हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम ही करना है आपको, समझ आ रही है? बट स्पेसिफाई कर देंगे वो कि पर यूनिट लेंथ निकालना है आपको, तो फिर आप अकॉर्डिंगली पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। देखो वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है स्ट्रिंग का उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है नहीं है? हाँ सर ठीक है। यहाँ पर यूनिट लेंथ हमने निकाल रखा, और अगर उसने बोला पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करके फिर आंसर निकाल लेना है, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो भी आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड wave in terms of incident wave amplitude, incident wave amplitude. ये चीजें मैंने थोड़ा सा एनालिटिकल डिस्कशन किया था इनका, एग्जैक्ट डिस्कशन किया नहीं था मैंने, मतलब मैथमेटिकली कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, आज मैं वही करना कर रखकर के आपको दिखाता हूं।
ये देखो, ये दो स्ट्रिंग हमने दिखा रखे हैं, एक मान लो म्यू वन लीनियर मास डेंसिटी का है और एक मान लो म्यू टू लीनियर मास डेंसिटी का है, ठीक है। ऑब्वियसली इस डायग्राम में आपको दिख रहा है म्यू वन बड़ा है म्यू टू से क्योंकि मोटा है। इसमें एक वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड ए आई मान लेते हैं इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड के लिए, और ये सेकेंड मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी वी वन से। ये वी वन की वैल्यू आपको पता है रूट अंडर टी बाई म्यू वन हो जाएगी। सो टी बाई म्यू वन की वेलोसिटी से वो वेव आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। ये वेव आफ्टर मतलब इंसिडेंस, इंसिडेंस होने के बाद क्या होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दिस इज आफ्टर इंसिडेंस। इंसिडेंस होने के बाद एक पार्ट आपका रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा सेम मीडियम में और दूसरा पार्ट आपका ट्रांसमिट कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारी ट्रांसमिटेड वेव है, इसकी एम्पलीट्यूड ए टी हो गई है, ए टी इंडिकेटिंग ट्रांसमिटेड वेव के लिए, ठीक है। और ये आगे की तरफ मूव कर रही होगी वेलोसिटी वी टू से, विच विल बी रूट अंडर टी बाई म्यू टू। टेंशन की वैल्यू सेम होगी, एंड टू एंड कनेक्शन है तो टेंशन अलग नहीं हो सकता, बट लीनियर मास डेंसिटी अगर कम हो गई है तो वेलोसिटी फास्टर हो जाएगी, होगी ना? ओके नहीं? हाँ सर। ओके, जितना दूर ये वेव ट्रेवल कर गया है सेकेंड मीडियम में, रिफ्लेक्टेड वेव क्या उतना दूर जा पाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद? नहीं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है, तो उसको हमें रिलेटिवली थोड़ा सा कम दूर दिखाएंगे, ठीक है। बुक्स में ड्रॉ करते वक्त इतना ध्यान नहीं देते, बट आपको ध्यान देना चाहिए कि उतना दूर जा नहीं सकता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा रिलेटिवली कम दूर दिखाएंगे जाते हुए। तो ये वेव इस तरफ अब जा रहा है, ये तो वेलोसिटी वी वन से ही जाएगा, एंड इसकी एम्पलीट्यूड जो हो चुकी है मान लेते हैं ये ए आर हो चुकी है, कुछ एक रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड के लिए ए आर, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए आर और ए टी की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए आई, ए आई के टर्म्स में हमें ये वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड आउट कैसे करें? दो वेरिएबल है तो ऑब्वियसली आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगे ना, चाहिए होंगे नहीं? yes. राइट, दो वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। अब हम इक्वेशंस लाए कहां से? पहला चीज ये देखो, जब भी हम वेव की बात करते हैं मतलब एनर्जी बेसिकली आप प्रोपेगेट करा रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, तो जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो एनर्जी ही दो पार्ट में स्प्लिट कर रही है, एक पार्ट आपका रिफ्लेक्ट बैक करके वापस जा रहा है फर्स्ट मीडियम में ही और दूसरा ट्रांसमिट होकर सेकेंड मीडियम में जा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से कि इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी पर यूनिट टाइम प्लस द ट्रांसमिटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम, कह सकते हैं? सॉरी व्हाट इज दैट? और एक बार बताइए। बोल रहा हूं, देखो मैं लिख रहा हूं, आप यहां देखो, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट time is equal to reflected plus transmitted energy per unit time. समझ आई आपको? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, बस एनर्जी कंजर्वेशन, जितना आएगा उतना ही तो जाएगा। अब दो पार्ट में अगर जा रहा है तो उसे हम क्या करें, दो पार्ट में जा रही है और एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं ना, पावर, पावर बोलते हैं। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते थे, इंसिडेंट पावर विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड पावर प्लस द ट्रांसमिटेड पावर, लिख सकते थे? यस सर। ठीक है, पावर का एक्सप्रेशन था हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ म्यू वन इंटू वी वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए आई का स्क्वायर, सही लिखा है मैंने? देखो यस सर, ओमेगा के लिए क्या ओमेगा वन लिखने की जरूरत है? सेम फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, है ना? फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं करता ना मीडियम चेंज करने से, वो तो सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है, याद है आपको? यस, ठीक है।
अब रिफ्लेक्टेड वेव फर्स्ट मीडियम में ही है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ म्यू वन इंटू वी वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए आर का स्क्वायर, लिख सकते हैं, प्लस ट्रांसमिटेड के लिए हाफ ऑफ म्यू टू इंटू वी टू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना, सही है, देखो आप चेक करो, ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है, हटा देते हैं इसको, तो इक्वेशन मेरे पास आ रही है यहाँ पे, जो आ रही है इक्वेशन वो ऐसी आ रही है, म्यू वन वी वन को कॉमन आउट कर ले तो आ जाएगी हमारे पास ए आई की स्क्वायर माइनस ऑफ ए आर की स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टू वी टू इंटू ए टी की स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा, हाँ सर लिख सकते हैं, ओके, वेलोसिटी खुद रूट अंडर टी बाई म्यू होता है ना, टी बाई म्यू लिख सकते हैं, यस सर, अगर वेलोसिटी रूट अंडर टी बाई म्यू है तो म्यू की वैल्यू को क्या टी बाई वी स्क्वायर लिखा जा सकता है, म्यू टी बाई वी स्क्वायर, यस सर, लिख सकते हैं, तो इसको लिखा टी बाई वी वन का स्क्वायर एंड इसको वी वन लेने दिया और इसको लिखा ए आई का स्क्वायर माइनस ऑफ ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टू को भी वैसे चेंज कर लेते हैं, टी बाई वी टू का स्क्वायर एंड इंटू वी टू एंड इंटू ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, आप चेक करो यहाँ से वी वन का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से वी टू का स्क्वायर कट जाएगा एंड एक्सप्रेशन में जो आ रही है ये तो टी भी कट गया एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज ए आई का स्क्वायर माइनस ऑफ ए आर का स्क्वायर इज वी वन बाई वी टू इंटू ए टी का स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ठीक है ना, हाँ सर ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला है, ए आई और ए टी ए आर के बीच में रिलेशन है, अब एक और रिलेशन आपको चाहिए, एक और रिलेशन हम कहां से निकाले, एक चीज लॉजिकली सोचो, जैसे एक पल्स ही तो सिर्फ नहीं आ रहा है, हम लगातार जब हम वेव मतलब यू नो एक ट्रेन ऑफ पल्सेस लगातार भेजते रहते हैं ना, है या नहीं है, डायग्राम में मैंने ऐसा दिखाया बट डायग्राम में एग्जैक्ट तो ये नहीं है, आपको साइनसोइडल वेव में क्रैश ट्रफ क्रैश ट्रफ क्रैश ट्रफ ऑल्टरनेट करके बहुत सारे दिखाने हैं, तो आ रहा है वेव साइमल्टेनियसली दोनों तरफ आपका रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है, यही तो हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, तो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट मीडियम है उस फर्स्ट मीडियम में साइमल्टेनियसली दो वेव है, यानी दो वेव कौन से है, एक है इंसिडेंट वेव और एक है रिफ्लेक्टेड वेव, है यानी दोनों वेव का सुपरपोजिशन होगा, होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव भी सेम मीडियम में आ रही है और साइमल्टेनियसली आ रही है, मतलब रिटर्न बैक जा रही है बट आ तो रही है ना सेम मीडियम में, और इंसिडेंट वेव पल्स तो आ ही रही है, तो साइमल्टेनियसली आपको सेम मीडियम में आपको दो वेव दिख रहे हैं, जबकि ट्रांसमिटेड वेव तो सिर्फ एक ही है ना, है ही नहीं है, only one, right? तो इंसिडेंट वेव जो बना है वो दो वेव सॉरी फर्स्ट मीडियम में जो वेव आएगा वो आपके दो वेव के सुपर पोजिशन से है, एक है इंसिडेंट वेव और एक है रिफ्लेक्टेड वेव, उनके सुपर पोजिशन से बनेगा और ट्रांसमिटेड तो सिर्फ एक ही होगा, अब ये सोच के देखो इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है ए आई एंड रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है ए आर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल सकती है आपको वो कितनी मिल सकती है, तो बता सकते कितनी मिल सकती है, ए आई प्लस ए आर, जब दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, है ही नहीं है, अगर दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर गए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको कितनी मिलेगी, ए आई प्लस ए आर मिलेगी, मिनिमम एम्पलीट्यूड अगर पूछे तो कितनी मिलेगी, ए आई माइनस ए आर मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है, अब अगर ट्रांसमिटेड वेव में अगर पूछे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है तो वो तो सिर्फ एटी है ना, है ही नहीं है, है ना, वो सिर्फ एटी है, अब देखो जो जंक्शन है, देखो जंक्शन अगर जंक्शन में पूछो किस मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में या सेकेंड मीडियम में या दोनों में, दोनों में है या नहीं है, जो जंक्शन है दोनों स्ट्रिंग का जो जंक्शन है वो दोनों मीडियम में है ना, हाँ सर, तो जंक्शन का जो एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो मैं फर्स्ट मीडियम से निकालू या सेकंड मीडियम से निकालू, मैच करना चाहिए नहीं, यस सर, मैच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ सर, तो फर्स्ट मीडियम से ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए था, ए आई प्लस ए आर, ए प्लस ए आर, और ट्रांसमिटेड से कितना आना चाहिए था, 80, तो क्या ये दोनों को इक्वेट कर सकते थे हम, हाँ सर, डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, यस, समझ आई सबको, तो बस इस कंडीशन को अब यूज करूंगा, वो सेकंड इक्वेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है, सो एज द रिफ्लेक्टेड वेव
an incident wave superposed to give a resultant wave in the first medium, thus maximum possible amplitude of wave in first medium is AI plus AR, and in the second medium the maximum displacement, which is the amplitude over here, is AT. The junction lies in both medium. Thus, AI plus AR, this should be equal to AT. ये हमारी second equation हो गई है. तो दो variable, दो equation आप आराम से solve कर सकते हैं. First equation में देखो a square minus b square का formula use करो, तो AI minus of AR and AI plus AR लिख सकते हैं ना इसको? हाँ sir. तो AI plus AR की value को substitute कर सकते हैं ना first equation में, है ना? Therefore using two in one. सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर रहे हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगा हमारे लिए? ए आई माइनस ऑफ ए आर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू इन टू ए टी. देखो तो ये आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है. एक ए टी कट जाएगी, ठीक है ना? ठीक है सर. हाँ सर. अब इसको थर्ड इक्वेशन कह लेते हैं, ठीक है? अब हमें सेकेंड और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करना काफी आसान है ना, कर सकते हैं? यस सर. अब इनको सॉल्व कर लो. इन दोनों को अगर मैंने ऐड अप कर दिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर ले, तो ये कट जाना है. देखो आपको ए आई मिल गई है. सो ए आई इज कमिंग आउट ऑफ बी, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए आई, एंड यहाँ पे हो जाएगा वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय टू वी टू एंड इन टू ए टी. सो देयरफॉर ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड आ रही है ट्वाइस ऑफ वी टू बाय वी वन प्लस वी टू and that multiplied with AI. दिख रही है आपको? हाँ सर. ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कहते हैं. ये बेसिकली एक फ्रैक्शन है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट. सर मतलब वो 2v2 by v1 plus v2 को? क्या बेटा? सर मतलब वो 2v2 by v1, v1, हाँ, plus v2, 2v2 by v1 plus v2, इसको transmission coefficient कहते हैं. ये क्या देता है? अगर आप बोलोगे कि सर इससे क्या मिलता है, तो ये basically ये देता है कि incident wave का कितना fraction amplitude basically आपको transmitted wave में मिलेगा. जैसे अगर मैंने बोला transmission coefficient, supposedly मैंने बोला कि transmission coefficient supposedly 0.4 का है, तो इस, और अगर incident wave का amplitude मैंने आपको दे दिया है 10 centimeter है, तो 10 सेंटीमीटर से 0.4 को आप मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली आपको ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा. समझ आ रही है? ओके सर. ओके सर. ठीक है. अब ये अगर 80 मिल चुकी है, तो AR भी तुरंत निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप ये भी कर सकते थे कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट कर देते तो AI एलिमिनेट हो जाती है, ये नहीं है? वो भी कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं. तो AR एक बार निकाल लेते हैं. सो नाउ AR निकाल रहे हैं. सो AR की वैल्यू विल बी AI and plus v1 by v2 into at, ठीक है ना? ठीक है. थर्ड वाली इक्वेशन को यूज किया मैंने, नहीं माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा. फिर यार उधर गया, ये इधर आया. हाँ माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना है ना सर? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है. अब at की जो वैल्यू हमने निकाल रखी है उसको यूज कर लेते हैं. तो ये रहेगा ai माइनस ऑफ, अच्छा एटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग में, सो वी वन बाई वी टू एंड इन टू टू वी टू बाई वी वन प्लस वी टू एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ ए आई. वी टू गेट्स कैंसल आउट,
एंड यहाँ अगर ध्यान से देखोगे आप तो आपके पास आ रही है वी टू माइनस ऑफ वी वन डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू एंड देन मल्टीप्लाइड विद ए आई एंड दिस इज ए आर. तो आपको रिफ्लेक्टेड वेव की भी एम्पलीट्यूड मिल गई है. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सब याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है? जेई के प्रिपरेशन में ये आपको याद रखनी है. डेरिवेशन के इंपॉर्टेंस है सर? डेरिवेशन आप भूल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा. डेरिवेशन भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको बस कम से कम रिजल्ट याद रखनी है, ठीक है? हाँ सर. ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर, क्लियर हो गया. एक चीज देखो, हमने जो चूज किया था, आप ये चेक करो, हमने जो चूज किया था मीडियम, देखो म्यू टू लेसर देन म्यू वन था, है ना? हाँ सर. इसीलिए वी टू ग्रेटर देन वी वन होगा. वी टू ग्रेटर देन वी वन. और वी टू अगर ग्रेटर देन वी वन होगा तो ए आर का वैल्यू नेगेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए आई. सॉरी, ए आर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना? इसका मतलब अगर क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्ट भी क्रेस्ट ही करेगा. क्रेस्ट, यस राइट. तो अगर एक वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तो रिफ्लेक्टेड वेव में कोई फेज चेंज नहीं होगा. ये आपने पहले से पढ़ा है ना? हाँ सर. ठीक है. बट उल्टा सिनेरियो ऑब्जर्व करके देखो, उल्टा करो सिनेरियो को. मान लो कि वेव रेयर से डेंसर में जा रहा होता तो डेंसर में जाता तो वेलोसिटी घट जाता, v2 less than v1 आता. अब v2 less than v1 होने का मतलब क्या? नेगेटिव आना. एम्पलीट्यूड अगर नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव, इसका मतलब क्या है कि अगर क्रेस्ट आया है तो ट्रफ जाएगा. समझ आई? पाई का फेज चेंज. ये चीज मैंने वहां पे जब आपको पढ़ाया था तब आपको बोला था कि ये इन्फॉर्मेशन की तरह याद रखने के लिए. अभी मैंने मैथमेटिकली भी प्रूव किया है. क्लियर है? तो मैं एक चीज और नोटिस करो, ट्रांसमिटेड वेव में कभी फेज चेंज नहीं हो सकता है. देखो वहां पे कहीं नेगेटिव है क्या? नेगेटिव आने का स्कोप है कभी? नो सर. नहीं, तो ट्रांसमिटेड वेव में कभी फेज चेंज नहीं होगा. बट रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज हो सकता है अगर वी टू लेस देन वी वन होगा, मतलब अगर रे रेरा मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा होगा. क्लियर है? यस सर. क्लियर है? हाँ. सो देयरफॉर इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या सीखी यहाँ पे, कि देयर विल बी अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियंस इफ वेव ट्रेवल्स पाई रेडियंस इन रिफ्लेक्टेड वेव. वो तो लिखना भूल गया. इन रिफ्लेक्टेड वेव इफ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. रीजन क्या स्पेसिफाई करेगा? सिंस v2 विल बी लेसर देन v1 इंडिकेटिंग ar विल बी नेगेटिव इफ ai इज पॉजिटिव. ठीक है, समझ आ गई सभी को? हाँ सर. हाँ सर. ओके, मान लो आपसे किसी ने ये पूछा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द सेकंड मीडियम, तो कैसे निकालोगे? What fraction of energy is transmitted in the second medium? बताओ कैसे निकालोगे? सर, ये proportional to a square कर देंगे. अब एक चीज छोटी सी गलती की आपने यहाँ पे, और वो blunder mistake है. क्योंकि जब आप energy की बात करते हैं, basically आप power के बारे में ही सोच रहे हैं ना, है ना? Power transmitted per unit time, right? मतलब energy transmitted per unit time. तो power की value में क्या सिर्फ amplitude होता है या और भी कुछ factors है? Mu भी होता है. Half mu v omega square a square. Omega तो चलो ठीक है, सबके लिए same है. बट मीडियम चेंज करने से वी भी तो चेंज हो गया ना, राइट? मीडियम चेंज हुआ, क्या हम ये यूज कर सकते थे कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड? डायरेक्टली क्या यूज कर सकते थे? नहीं. नो सर. नहीं, बट एक आसान तरीका था जो आप करते तो आसानी से निकल जाता. रिफ्लेक्टेड वेव तो सेम मीडियम है नहीं है? तो अगर मैं ये फाइंड आउट कर लेता कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी, तो वो हम डायरेक्टली लिख सकते थे ए आर बाई ए आई का स्क्वायर, लिख सकते थे या नहीं? हाँ सर. समझ आ रही है? और उसके बाद सिर्फ वन से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो मुझे फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी मिल जाता. समझ आई? यस सर. हाँ सर.
ठीक है, ये एक अच्छी चीज है, इस चीज का ध्यान रखना। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, मिस्टेक यही करते हैं कि ये रिलेशन जानने के बाद भी ट्रांसमिटेड वेव का अगर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पूछ लिया तो फिर वो इसी का स्क्वायर करके फिर फाइनली आंसर निकाल देते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव में मीडियम चेंज होने से म्यू और वी दोनों ही चेंज हो गई है। ठीक है, यस सर, ठीक है, तो ये चीज मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहां पे, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी पर यूनिट टाइम इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड पावर बाय इंसिडेंट पावर एंड दैट विल बी ए आर बाय ए आई का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय वी टू प्लस वी वन एंड इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बट फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम PT by PI that is not equal to AT by AI ka square. Reason being, since power ki value is half mu V omega square A square and ye puri ki puri term aapki ye bhi change kar gayi hai. Theek hai, to usko bhi count pe lena padta. But better option kya hai? Therefore, PT by PI ko hum ye likh sakte the 1 minus of PR by PI and फिर इसको लिखते तो हम लिख सकते थे 1 minus of V2 minus V1 divided by V2 plus V1 and इसका whole square कर लेते, तो ये finally आपके पास आ जाता 4 V1 V2 divided by V1 plus V2 and इसका whole square हो। समझ आ गई सबको? हाँ सर। देखो किसी को confusion है क्या, कुछ कोई confusion है? नहीं है, चलो अच्छी बात है सर। हाँ बोलो बेटा। सर दो डिफरेंट मीडियम में जब हम एक वेव पल्स जनरेट करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज रहे हैं तो क्या दो मीडियम में वेव पल्स का वेलोसिटी सेम हो सकता है? फिर से बोलो एक बार, मैं फॉलो अप नहीं कर पाया, आपने कहा इतना लंबा स्टेटमेंट था, मैं फॉलो अप नहीं कर पाया, फिर से बोलो एक बार। सर दो डिफरेंट वेव पल्स, दो डिफरेंट मीडियम है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे हम एक वेव पल्स भेज रहे हैं जैसा आपने इस केस में कंसीडर किया है वैसा, ठीक है। और आपने लास्ट थर्ड लाइन में बताया कि म्यू वी भी चेंज हो रहा है ए के साथ, ए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हम नहीं कर सकते, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर सिर्फ नहीं लिख सकते क्योंकि म्यू वी भी चेंज कर रहा है। हाँ तो भी क्या कांस्टेंट कभी रह सकता है? क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट किसी भी केस में रह सकता है क्या, अगर वो लोग बता दें कि लीनियर मर्जेंस, अगर म्यू सेम हो गया तब तो वी भी सेम हो ही जाएगा ना, क्योंकि टेंशन तो आप यूनिफॉर्म मान रहे हैं। हाँ म्यू सेम होगा तो वी भी सेम हो जाएगा, तो फिर मीडियम चेंज ही कहाँ किया आपने, तो आपने मीडियम चेंज कहाँ किया? तो फिर मतलब म्यू चेंज होगा तब वी भी चेंज होगा, तब नहीं हम कर सकते। तुम एक चीज समझ नहीं रहे, अगर म्यू सेम है तो मीडियम चेंज ही कहाँ होगा? हाँ हाँ, तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ तो हम रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन सब की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है समझ गए है ना, तुम मीडियम चेंज करोगे तभी तो ऐसे बातें करोगे। हाँ हाँ ठीक है चलो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर a standing wave, consider a standing wave formed by superposition of two waves of amplitude A each in a stretched string of mu comma t. Mu comma t मतलब linear mass density and tension दिया हुआ है,
the frequency of wave is A. Find the total energy confined between two consecutive nodes. स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कन्फाइंड होती है, याद है आपको? हाँ सर, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती है, ट्रैवल नहीं करती है. तो उन्होंने यही पूछ रखा है हमें कि दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में कितनी एनर्जी कन्फाइंड है, वो हमें फाइंड आउट करनी है. अगर मान लेते हैं हमने ये x इक्वल टू जीरो ले रखा है, ये वाली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होती है वो 2a होती है, याद है आपको? यस सर, 2a. ठीक है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज a एट पोजीशन x, एम्पलीट्यूड एट पोजीशन x, वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम नोड. तो जब हम नोड से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या लिखते हैं, याद है आपको? 2a sin kx, याद है आपको? Do you remember this? Yes, sir. ठीक है, और ये सारे लोकेशन के जो पार्टिकल्स हैं वो SHM कर रहे हैं, तो उसकी ऑसिलेशन की जो एनर्जी होगी अगर DE कैलकुलेट करें तो DE की वैल्यू को क्या है, हम ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ DM इनटू ओमेगा इनटू AX का स्क्वायर. याद है आपको SHM में जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, याद है? हाँ सर, यस सर, है ना? हाँ सही, याद है. SHM एनर्जी लिखा मैंने, ठीक है ना? अब DM की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, सो ये जाएगा हाफ ऑफ म्यू DX इनटू ओमेगा स्क्वायर, एंड एम्पलीट्यूड की जगह 4a स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर kx आ रही है, ठीक है? यहाँ से ये 2 के साथ कट गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर इनटू 2 साइन स्क्वायर kx इनटू DX. दिस इज DE. अब ये एनर्जी को मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करनी है, क्या ये वाला लोकेशन हमें पता है कितना है? लैम्डा बाय 2 है ना, है नहीं है? लैम्डा बाय 2, यस सर. तो मुझे x का लिमिट कहां से कहां चूज करना है, 0 से लेकर लैम्डा बाय 2? 0 टू लैम्डा बाय 2. तो बस इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है? सो एनर्जी ऑफ लूप जो आएगी, एनर्जी कन्फाइंड विद इन लूप, दैट विल बी म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 2 sin स्क्वायर kx हो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला. So, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 के एक्स, कैसा लिखा जा सकता है? यस सर, 1 माइनस, ठीक है? हाँ सर. और एक्स की लिमिट 0 से लेके लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 मतलब कि पाई बाय के, सही है ना? है ना, क्योंकि लैम्डा 2 पाई बाय के होता है ना, है ही नहीं है? हाँ सर, ठीक है. अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो ये मिलेगी आपको म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड 1 dx तो x ही हो जाएगा, तो ये पाई बाय के आ है, ठीक है? ये पाई बाय के जो है वो लैम्डा बाय 2 ही है, ठीक है सर? मैं इसको लैम्डा बाय 2 ही लिख देता हूँ, अब फिर मैं तो बाद में कंफ्यूज करेंगे, मैं इसको लैम्डा बाय 2 रहने देता हूँ, ये लैम्डा बाय 2 तक, ठीक है? तो ये लैम्डा बाय 2 हो गया, एंड जो cos स्क्वायर cos 2x cos ऑफ 2 kx वाला टर्म है उसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट में cos 2pi आ जा रहा है और लोअर लिमिट में जीरो आ रहा है, तो cos ऑफ 2pi माइनस cos ऑफ 0 वो तो 1 जीरो हो जाएगा, जीरो है ना? ठीक है, तो एक्सप्रेशन तो इतना ही आ रहा है, दिस इज द एक्सप्रेशन फाइनली. तो आपको देखो एनर्जी कन्फाइंड विद इन द लूप आपको आराम से अपने निकाल लिया, आपको मिल गया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी कन्फाइंड विद इन द लूप, ये आपने इंटीग्रेट करके निकाला है, ठीक है? मैं आपको एक आसान सोल्यूशन बताता हूँ, जितना भी बुक्स होगा वो सारा यही तरीके से करता है, सारा, एक भी बुक में आपको ऑल्टरनेट कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट एक बहुत ही छोटा सा इसका तरीका है बिना इंटीग्रेशन का. आप याद करो ये वेव बना कैसे, दो वेव के सुपर पोजिशन से बना ही नहीं? हाँ सर. ऐसे सोचे तो एक वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा था
और एक वेव लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा था, और इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से ये बना है। एनर्जी तो कंजर्व रहता है ना, एनर्जी कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि गायब हो सकता है। क्या एनर्जी गायब हो सकती है? नहीं। हाँ यही हो रहा है कि एनर्जी जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होके कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो गया है, बट टोटल एनर्जी जो है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये याद दिलाऊं तो सोचो पावर ट्रांसमिटेड का सिग्निफिकेंस क्या था, एनर्जी प्रोपेगेटिंग पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं पूछूं कि टाइम टी बाई टू मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को अगर मैं कैपिटल टी मान रहा हूं, तो कैपिटल टी बाई टू टाइम में जितना एनर्जी ये आगे बढ़ गया होगा, क्या वो वेवलेंथ वाले वेवलेंथ बाई टू डिस्टेंस तक आगे बढ़ेगा? क्योंकि वेव ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी वी एंड वी इनटू टी दैट गिव्स यू वेवलेंथ, सो वी इनटू टी बाय 2 विल गिव यू लैम्डा बाय 2, राइट? समझ आ रही है आपको? तो इसका मतलब कि अगर मैं पावर की इक्वेशन में अगर टी बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दू तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वेव जो है वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया एक वेव से, और एक वेव से जितना डिस्टेंस ये आगे बढ़ा है दूसरे वेव से भी उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों एनर्जी को ही अगर मैं सम कर दूं तो क्या मुझे एनर्जी कन्फाइंड विद इन द लूप नहीं मिल जाएगा? मिलेगा ही नहीं। अब वो तरीके से करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? आई एम डूइंग दैट ऑल्टरनेट मेथड। सर आपने वो जो लास्ट में वाला वेव जो निकल जाएगा और एक बार बोलेंगे? बोल रहा हूँ, देखो आप देखो अभी अपने आप ही समझ आएगा, लिख भी रहा हूँ साइमल्टेनियसली तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। देखो स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज सुपरपोजिशन ऑफ टू ट्रैवलिंग वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू ट्रैवलिंग वेव्स फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से दोनों को सुपरपोज करवाया तो since we are interested in finding energy confined within loop which is half wavelength, this distance is covered by wave in half time period, therefore energy of loop nikalna hai mujhe, to mujhe average power se mujhe t by 2 ka period ko multiply kar dena hai, theek hai, and fir is term ke sath दो गुना लेना है। दो गुना क्यों लिया हमने? ड्यू टू टू वेव्स, दिस इज ड्यू टू टू वेव्स। समझ आई सबको? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा था। देखो अब इसकी एक्सप्रेशन को यूज करो, हाफ ऑफ म्यू इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है ना पावर का एक्सप्रेशन, ठीक नहीं है? इसके साथ अब सीधे से टी मल्टीप्लाई करना है, टू टू तो आपस में कट गए ना, ठीक है? यस सर। अब इसको अगर लिखे तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ म्यू इनटू ये वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को अलग कर लें और वी इनटू टी को अलग कर लें। वी इनटू टी क्या होता है? लैम्डा होता है ना, लैम्डा। देखो क्या आ रही है, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू लैम्डा, ये तो आ गई। देखो उसमें भी यही आई थी, देखो चेक करो। हाँ दिख रही है सर। ठीक है, तो एक में आपने इंटीग्रेट करके निकाला और दूसरे में आपने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑलरेडी डिराइव कर रखा था उसको यूज करके फिर निकाला। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? यस सर। क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो a string of length 120 centimeters sustains
standing waves with points of the string which points of string having displacement, amplitude 3.5 mm separated by 15 centimeters. Find maximum displacement amplitude and also the overtone of oscillation. You have to find the name. अब ट्राई करो, देखो आपसे बन रहा है क्या. ट्राई करो, मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं. देखो हुआ, अटेम्प्ट किया. अटेम्प्ट किया. अरे हाँ, ना तो बोल दो. नहीं हो रहा सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा. मतलब समझ नहीं आ रहा. चलो देखो, एक बार चेक करो. ये स्ट्रिंग है मान लेते हैं, और इसमें स्टैंडिंग वेव सेंसर ऑलरेडी जनरेट कर रखा है, कह रखा है. तो यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं. ऐसे एक लूप इधर भी बना लेते हैं. उसने एक एम्पलीट्यूड मार्क किया 3.5 mm का, तो 3.5 mm का एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस से दिस इज द रेफरेंस लाइन ऑफ 3.5 mm. ये 3.5 mm का है, ठीक है. और उसने क्या रखा है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर सस्टेन्स स्टैंडिंग वेव्स विद पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग हैविंग डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 3.5 mm सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर. तो देखो, ये एक लोकेशन है जहां पे 3.5 है, ये एक लोकेशन है जहां पे 3.5 है, ये एक लोकेशन है जहां पे 3.5 है. दिख रहा है आपको? दिख रही है? और जहां जहां पे 3.5 mm का एम्पलीट्यूड है, वहां वहां पे सेपरेशन जो मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी? 15 सेंटीमीटर. समझ आ रही है? मतलब क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं, देखो तो ये सेपरेशन 15 है, कह सकते हैं? हाँ सर. क्या हम ये कह सकते हैं ये सेपरेशन भी 15 है? Yes, sir. है ना, क्वेश्चन का कंडीशन दिया है, ठीक है. क्वेश्चन का कंडीशन यही दे रखा है उसने. इसका मतलब क्या, ये कहा जा सकता है कि ये हाफ जो है, ये हाफ जो है, ये 7.5 है. 7.5, yes, sir. तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि ये हाफ भी 7.5 है? कह सकते हैं? हाँ सर. तो देखो, तो आपको वेवलेंथ ऑफ वेव पता चल गया क्या? लूप लेंथ तो पता चल गया, दिख रहा है आपको? 15 plus 15 है, दिख रहा है आपको? 15 plus 15, yes sir. Therefore, loop length जो है lambda by 2, that is basically 15 plus 15, that is 30 centimeter. Therefore, lambda की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? Lambda की वैल्यू becomes 60 centimeters. समझ आएगी आपको? Got it? Yes sir. अब अगर आप ये ध्यान दोगे आप, तो ये जो एम्पलीट्यूड हम लिखते थे, ये एम्पलीट्यूड एट अ पोजीशन एक्स लिखते थे, और ये जो एम्पलीट्यूड हम लिखते थे, ये 2a लिखते थे मैक्सिमम, याद है आपको? Yes, है ना? तो एम्पलीट्यूड एट अ लोकेशन एक्स अगर लिखे, तो इसको लिखते थे 2a into sin of kx, जहां पे एक्स आप मेजर करोगे नोड से. तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते थे, दिस इज 2a into sin of 2π by lambda and into x is basically lambda by 8, है या नहीं है? क्योंकि 7.5 is lambda by 8, है या नहीं है? हाँ सर. समझ आ रही है आपको? ठीक है ना? Yes sir. तो अगर देखोगे तो ये कितनी आ रही है, 2a into 1 by root 2, दिख रही है आपको?
हाँ सर तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितनी हो गई है सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट बिकम्स 2a एंड दैट बिकम्स रूट 2 टाइम्स ऑफ 3.5 mm अंडरस्टूड समझ आई ठीक है चलो ये तो एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया है सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला था द ओवरटोन ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है ओवरटोन निकालने के लिए याद है पहले आप हार्मोनिक फाइंड आउट कर लो ठीक है फर्स्ट हार्मोनिक ठीक है तो अगर आप देखोगे तो 120 सेंटीमीटर का है ये है ना 120 सेंटीमीटर का है और लैम्डा बाय 2 30 है तो इसमें क्या करोगे आप लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर एंड लूप लेंथ जो है लूप लेंथ ये है आपकी 30 सेंटीमीटर सो अगर आप देखोगे तो 120 डिवाइडेड बाय 30 करें तो यार ये एग्जैक्टली 4 ये इवन नंबर आ रहा है ना इसका मतलब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स ही है यस सर है ना क्योंकि ऑड तो हो नहीं सकता मतलब ये अगर एक एंड पे फिक्स्ड होता तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक होते है ना यस सर ओनली ऑड हार्मोनिक ठीक है सो दिस इज स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड देयरफॉर फोर्थ हार्मोनिक हो गया एंड फोर्थ हार्मोनिक मतलब थर्ड ओवरटोन ना थर्ड ओवरटोन समझ आई सभी को हाँ सर देखो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो क्लियर है ना सत्र ऊपर फॉलो करेंगे ऊपर करो हाँ सर देखो सर वो जो स्टेप किया आपने 2 × 1/√2 क्या क्या फिर से बोलो एक बार सर वो जो स्टेप है मैक्स एम्पलीट्यूड का ऊपर जो स्टेप है मैक्स एम्पलीट्यूड वाला हाँ मतलब ऊपर में जो लिखा है 2 × 1/√2 ठीक है तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो मैक्स एम्पलीट्यूड ओ ठीक है ठीक है ठीक है नहीं नहीं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो 2a है ना डायग्राम देखो आप डायग्राम में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 2a है तो आपको 2a चाहिए ना हां सर 2a 2a ठीक है तो 2a का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे ax से √2 को मल्टीप्लाई करोगे ना हां सर ठीक है ठीक है हां ठीक है ठीक है ठीक है चलिए आगे चलें आगे बढ़े बेटा हां सर मान लो ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ वेव विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स given by y1 है मान लो से 3a sin omega t minus kx and y2 is a sin omega t plus kx ठीक है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया फ्रीक्वेंसी सेम है वेवलेंथ सेम है दिख रहा है आपको हाँ सर दिख रही है मतलब कोहेरेंट है एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑपोजिट है ऑपोजिट ये कंडीशन स्टैंडिंग वेव का होता है ना बट एज स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड आइडेंटिकल होना चाहिए राइट यस सर एम्पलीट्यूड सेम यस यहां पे एम्पलीट्यूड आइडेंटिकल नहीं है डिफरेंट है ना यही तो डिफरेंस है राइट तो एक बार एनालाइज करते हैं कि अभी क्या बन रहा है ठीक है यहां से इतना देख के आपको ये समझ में आना चाहिए था कि यू नो वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन है ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ये तो आपको ऑलरेडी दिख रही है ठीक है यहां से आपको ऑलरेडी दिख रही है अब एक बार प्रोसीड करते हैं ठीक है रिजल्टेंट वेव निकालने के लिए हमने y1 प्लस y2 किया इसको एड अप कर रहे तो ये रहे 3a इंटू साइन ऑफ इसको ऐसे लिख लें omega t minus of kx and plus a sine of
ओमेगा टी प्लस के एक्स। हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एन प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एन प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो क्यों क्लब किया, इसको क्लब करने से क्या ये परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बन रहा है? हाँ सर, हाँ सर। परफेक्ट स्टैंडिंग वेव कहने का मतलब क्या है कि उसका नोड जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जीरो होगा, परफेक्ट स्टैंडिंग वेव है। परफेक्ट स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या बताया मैंने आपको, नोड में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जीरो होगा, ठीक है। परफेक्ट का सिग्निफिकेंस यही है, नोड हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। समझ आई है? हाँ सर, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या ये ट्रैवलिंग वेव है? ट्रैवलिंग वेव की एम्पलीट्यूड है ना। तो देखो इसको जो दो पार्ट में अगर हम ब्रेक कर किया हमने, तो फर्स्ट पार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी, है ना? हाँ, है ना। एंड दूसरा पार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रहा है, राइट? यस सर। तो अब सोच के देखो, जब हम स्टैंडिंग वेव का अगर सोचो सिचुएशन दिखाएं, तो इन ऑल आपको सिचुएशन क्या दिखेगा सोच के देखो। सिचुएशन ये दिखेगा कि आपके पास एक वेव तो ऐसी बन गई, सोचो ये वेव बन गई आपके पास, और ये फॉरवर्ड जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, यू नो एनर्जी कैरी करके, ठीक है। दिस इज अ ट्रैवलिंग वेव, एंड इस ट्रैवलिंग वेव की एम्पलीट्यूड जो है वो आपकी 2a की है। दिस हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2a, एंड साइमल्टेनियसली आपने ये भी देखा है कि आपको एक और वेव मिल रही है, और वो वेव की जो सुपरपोजिशन से जो स्टैंडिंग वेव मिल रही है उसकी भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपकी 2a है। हाँ, उसका उसका बट नोड और एंटी नोड कन्फाइंड रहेगा, तो इसके साथ आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ दिखाओगे। सॉरी, ये भी 2a का है बट ये स्टैंडिंग वेव है, इसमें एनर्जी प्रोपागेट नहीं करेगी एक एंड से दूसरे तक। ये वाली वेव शिफ्ट होती रहेगी, ये वाली वेव जो है ये अपनी ये शिफ्ट होती रहेगी, ये एक एंड से दूसरे एंड तक शिफ्ट कराएंगे आप इसको। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये वेव भी आपका आगे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, बट ये वाले वेव में क्या होगा, ऊपर नीचे ही ऑसिलेट करेंगे ना मीडियम पार्टिकल्स। यस, ऊपर नीचे, राइट। और नोड तो नोड ही रहेगा, वो तो मूव नहीं करेगा। आप किसी भी इंस्टेंट पे दिखाइए, आपको ऐसे ही सिचुएशन ही दिखना है। बट ये देखो, अगर इन दोनों वेव को हम जोड़ के देखें तो क्या नोड वाला पार्टिकल कभी फिक्स रहेगा? वो भी तो ऑसिलेट करने लग गया ना, करने लगा या नहीं करने लगा? करने लगा या नहीं? नोड क्या फिक्स रहा? मतलब तो कॉम्बिनेशन आ गया ना। तो फर्स्ट वाला वेव जो हमने ड्रॉ कर रखा है वो जब इस जंक्शन के थ्रू होके जा रहा है देखो, तो नोड वाले पार्टिकल को भी तो ऑसिलेट कराएगा ना वो। यस सर, समझ आ रही है। तो अब ये सोच के देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर लगाओगे तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल सकता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहीं पे भी, वो देखो एंटीनोड वाला लोकेशन ही है, क्योंकि एंटीनोड में स्टैंडिंग वेव की वजह से 2a का एम्पलीट्यूड है, और जो ट्रैवलिंग वेव है उसकी वजह से भी आपका 2a का ऐड हो रहा है, तो 4a हो गया ना, हो गया नहीं हो गया? हाँ सर, समझ आ रही है। बट जो नोड है, नोड में जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 0 प्लस 2a मिलेगा, है ही नहीं है? 0 प्लस 2a, हाँ सर, मिलेगा ही नहीं।
तो मैक्सिमम कितना उसका जो एम्पलीट्यूड हो गया वो कितना हो गया, 2a का हो गया। तो इसका मतलब नोड अब परफेक्ट नोड नहीं है क्योंकि उसके थ्रू एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है और उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो 2a है और जो ट्रैवलिंग वे मतलब जो एंटी नोड है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका 4a हो जाएगा। तो अब अगर हम इसका स्टैंडिंग वेव अगर दिखाने की कोशिश करें तो कैसा दिखेगा वो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? देखो अब चेक करो, ये मीडियम हम मीडियम बना रहे हैं, ये दिस इज द मीडियम और एक 4a का एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं, ये है 4a का बाउंड्री और ये है 2a का बाउंड्री, ठीक है? और इसके बीच में हमारा वेव जो होगा वो कन्फाइंड होगा। जो हम एनवेलप ड्रॉ करते थे ना वो एनवेलप ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बस वहां पे नोड को हम जीरो से टच कराते थे, वो जीरो से टच नहीं करेगा। ये एग्जैक्टली सेम रेप्लिका आप इधर भी ड्रॉ करोगे, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? तो इसमें जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे, जैसे यहां का जो मीडियम पार्टिकल्स होगा, सोचो यहां का मीडियम पार्टिकल्स वो इतने दूर के रीजन में ऑसिलेट कर रहा होगा, यहां का जो मीडियम पार्टिकल्स है वो इतने दूर के रीजन में ऑसिलेट कर रहा होगा, यहां का मीडियम पार्टिकल्स इतने दूर के रीजन में ऑसिलेट कर रहा होगा, यहां वाला पार्टिकल इतने रीजन में ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इस बार आप देखोगे तो नोड का पार्टिकल्स भी बेसिकली फिक्स नहीं है, वो भी ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? हां सर। ठीक है, दिस इज 2a एंड दिस इज 4a, ठीक है? तो ये एक नॉन आइडियल स्टैंडिंग वेव कहते हैं इसको, ये परफेक्ट स्टैंडिंग वेव नहीं है। अगर आप ध्यान से भी देखते तो y1 एंड y2 को ही सिर्फ देख लो, आप y1 y2 को देखो, इनके सुपर पोजिशन से जब ये दोनों सेम फेज में होते तो 3a और a का एम्पलीट्यूड कितना हो जाता, 4a हो जाता, पता ही नहीं। ये इसको देखो, सिर्फ y1 और y2 का सम वाला जो लाइन है बस उसको देखो, y1 एंड y2 अगर सेम फेज में होते तो 3a प्लस a कितना होता, 4a हो जाता, एंड y1 और y2 अगर ऑपोजिट फेज में होते मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता तब उन दोनों के सुपर पोजिशन से 3a माइनस a कितना मिलता, 2a ही तो मिलता ना, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना मिला आपको, 4a, एंड मिनिमम कितना मिला आपको, ए, ऐसा मिनिमम कितना मिला, 2a। समझ आ रही है आपको? 2a, ठीक है? तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि जब भी वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है, दिस गिव्स यू अ नॉन आइडियल स्टैंडिंग वेव, नॉन आइडियल स्टैंडिंग वेव। एंड नॉन आइडियल का मतलब है कि एनर्जी प्रोपागेट करेगी इसमें, एनर्जी प्रोपागेट्स True nodes. Clear है, समझ आई सभी को? Did everybody understand? Yes. हाँ सर। ठीक है। Okay, चलो एक next question करते हैं। Okay. यहाँ पे मान लो आपके पास दो सोर्सेज हमने दिखा रखे हैं, जैसे दिस इज S1 एंड दिस इज S2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 लैम्डा एंड S1 और S2 के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है
एंड ये लाइन का यहाँ पे वर्टिकल लाइन के साथ जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी है एंड इट्स गिवन दैट कैपिटल डी इज वेरी लार्जर देन लैम्डा. लैम्डा से बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली 3 लैम्डा से भी बहुत बड़ा होगा. नाउ हियर इज अ डिटेक्टर व्हिच इज मार्क्ड एज डी एंड दे हैव आस्क्ड अस वेयर शुड द लोकेशन ऑफ द डिटेक्टर बी. Where should the location of detector be? Where should the location of detector be closest to the center C? Center C such that it detects a maxima due to superposition of waves from coherent sources S1 and S2. ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है. सर कैसे फाइंड? क्या बेटा फिर से बोलो. सर बोल रहा था कि इससे वो डिस्टेंस डी भी और डिटेक्टर भी डी है तो. ओहो अच्छा 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 अच्छा, इसको चेंज कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको डिटेक्टर डी डैश कर देते हैं. ठीक है ठीक है सर, डिटेक्टर के डी डैश कर लेते हैं इसको. ठीक है, इस डिटेक्टर को डी डैश लिख लीजिएगा. मैं करता हूँ, देखो इसको. सबसे पहली चीज, डी वेरी लार्जर देन लैम्डा देने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि डिटेक्टर के लोकेशन से अगर S1 S2 को देखा जाए तो बहुत क्लोजली दिखेंगे ना वो दोनों. हाँ सर. राइट, और अगर बहुत क्लोज दिखेंगे तो अगर मैंने यहाँ से S2 से एक रे लिया और S1 से एक रे लिया और डिटेक्टर के पास पहुंचाया तो ये दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम एंगुलर इंक्लिनेशन पे दिखेंगे. हाँ सर. राइट, ठीक है ना. अगर सेम एंगुलर इंक्लिनेशन पे दिख रहे हैं तो इन दोनों के बीच का अगर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए तो ये पाथ डिफरेंस सिंपली एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. कर सकते हैं क्या ये? देखो हाँ सर. ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था, आपको याद है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो देखो तो ये पाथ डिफरेंस कितनी आ रही है? 3 लैम्डा * cos थीटा आ रही है. cos थीटा. ठीक है, अब देखो सेंटर पे आप चेक करो, सेंटर में पाथ डिफरेंस कितने का है? सेंटर पे पाथ डिफरेंस कितने का है? 3 लैम्डा का. और इंफिनिटी पे चले जाओगे तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0. 0. तो 3 लैम्डा से 0 अचानक से तो नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं घट के ग्रेजुअली घटा होगा. तो 3 लैम्डा के बाद पहला मैक्सिमा का लोकेशन कौन सा मिलेगा? 2 लैम्डा वाला. 2 लैम्डा. तो इसका मतलब d डैश जहां पे हमने मार्क किया वहां पे पाथ डिफरेंस कितना रिक्वायर्ड है? 2 लैम्डा ना. 2 लैम्डा. यस, समझ आ रही है? तो देखो तो पाथ डिफरेंस के आपने 3 लैम्डा cos थीटा जो निकाला है क्या उसी को 2 लैम्डा से इक्वेट करना था आपको? यस सर. दैट्स इट, तो हो गया काम. सो देयरफॉर डेल्टा x जो हमारा रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड is 2 lambda and geometrically this has been found out to be 3 lambda cos theta. So therefore cos theta ki value aapki aa gayi hai 2/3 aa gayi hai. theek hai, and ek baar agar cos theta mil gaya hai to dekho to ye distance y hum easily calculate kar sakte hain kya? Can we calculate this distance y? cos theta ko kya likhoge aap? Base by hypotenuse. Right, yes sir, base by hypotenuse. to isko likhenge base by hypotenuse. to base hai kitne ka? d. And hypotenuse कितने का है? root under d square plus y square. यही लिखोगे ना? हाँ सर, d square. ठीक है? हाँ. मैंने actually तो मुझे लिखना चाहिए था जो मतलब देखो आप अगर ध्यान दोगे तो d में आप 3 lambda को subtract करो या 3 lambda को add करो कोई खास फर्क पड़ेगा क्या? No sir. नहीं, समझ आ रही है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना कि मैंने d minus of 3 lambda by 2 नहीं किया है, d plus 3 lambda by 2 नहीं किया है. क्यों? क्योंकि 3 lambda ऑलरेडी बहुत छोटा उसने दे रखा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे इससे क्या जाएगा आपके पास? स्क्वायर करें तो हो जाएगा 4d square plus 4y square is equal to 9d square. So therefore y की जो वैल्यू आ रही है, this is coming out to be, ये तो 5 हो गया, root 5 by 4, root 5 by 4 into y. Okay, answer. Sorry, d. Got it? हाँ सर. क्लियर है सभी को? हाँ सर. ठीक है, जस्ट एक सेकंड.
एक मिनट, जस्ट एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टाइम बचेगा, लिखने का टाइम बचेगा। अच्छा इतना तो दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, दिख रहा है क्वेश्चन? चलो ठीक है। Sound from two coherent sources S1 and S2 are sent in phase and detected at point P, equidistant from both the sources. Speed of sound in normal air is V0, but in some part in path of S1, there is a zone of hot air having temperature 4 times the normal temperature and width D. What should be the minimum frequency of sound so that minima can be found at point P? कैसे करोगे बताओ? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ गया? अगर वेलोसिटी की वेव की वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करते हैं तो रूट अंडर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, याद है आपको? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा, राइट? तो अगर मतलब टेम्परेचर को आपने 4 गुना बढ़ा दिया है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव डबल हो गई होगी ना? डबल, यस, होगी नहीं होगी? इसका मतलब वेलोसिटी of wave doubles in hot zone, ठीक है? अब अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई है उसकी, तो ये सोच के देखो कि अगर मैं करस्पॉन्डिंग यही डिस्टेंस, अगर सोचो यही डिस्टेंस इसी का एक पैरेलली यहाँ पे सोचो कि S2 वाले मीडियम में भी इतना ही कंसिडर करें, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता? T0 होता ना? हाँ सर, T0, राइट? ये डिस्टेंस में डी मान रहा हूं, आई एम कंसीडरिंग दिस डिस्टेंस टू बी डी। देखो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ सेम होता है, नहीं? हाँ सर। ये वाला पाथ और ये वाला पाथ भी सेम होता ना? हाँ सर। तो डिफरेंस ऑफ पाथ लेंथ कहां क्रिएट होता, मतलब फेज जहां पे चेंज होता वो कहां पे चेंज होता? ये वाला मीडियम में ही, जहां डी डिस्टेंस हम जो डिवाइड कर रहे हैं उस डिस्टेंस में ही बेसिकली आपका फेज डिफरेंस क्रिएट होता। तो अब ये फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ये सोचो फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? सोचो, अरे कुछ तो सोच के बताओ। बोलो सर, तो बोल रहा थी फेज डिफरेंस तो 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस था। सो सर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वी बोल सकते हो? लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो तब उधर से तो वेलोसिटी का वैल्यू पुट करके, मतलब अभी पहले हम तो वेलोसिटी की वैल्यू तो हमें पता है डबल हो चुकी है। हाँ सर, डबल हो चुकी है। तो वेलोसिटी अगर डबल हो चुकी है इसका मतलब कि v is f लैम्डा, तो लैम्डा भी डबल हो चुका होगा, है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि इसका करस्पॉन्डिंग फेज निकालते तो 2π/, अच्छा ऐसे कर, हाँ ठीक है, वो लॉजिक सही है। तो ऐसे कर लेते हैं कि पाथ डिफरेंस नॉर्मली हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स ये तभी यूज कर सकते हैं जब आपका मीडियम सेम हो। This is only in same medium.
यहाँ पे तो यू नो फे यू नो जैसे आप अगर आप देखोगे तो जब हम फेज लिखते थे तो फेज लिखने का जो तरीका था, ये फाई जो हम लिखते थे या ऐसे लिखते हैं फेज जो हम इंस्टेंटेनियस लिखते थे, इंस्टेंटेनियस तो ये लिखते थे, तो इंस्टेंटेनियस क्या लिखते हैं तो ये लिखते थे ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। देखो मीडियम चेंज होने से ये चेंज हो रहा है ना, राइट राइट, मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होने से के चेंज होगा, तो ये के चेंज होने की वजह से एक्स वाला फैक्टर देखो दोनों के लिए सेम है क्योंकि डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करवाएंगे दोनों में, बट के चेंज हो गया दोनों के लिए, दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो फेज डिफरेंस जब आप निकालोगे तो फेज डिफरेंस निकालते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, के इन यू नो फर्स्ट मीडियम माइनस के इन सेकेंड मीडियम एंड इन टू एक्स करेंगे, समझ आ रही है? इसका मॉड ले लेना क्योंकि हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, समझ आ रही है? कोई भी बड़ा से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, एंड इसकी वैल्यू को अगर लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, के वन की वैल्यू को लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा 1 माइनस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा 2 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद डी, लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे? यस सर डी डी लिख सकते हैं क्योंकि डी डिस्टेंस ही तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है? हां सर, हां सर। और यहां पे लिखिए इसको लिख सकते हैं, हां बोलिए बेटा सर, मतलब वो जो फेस चेंज हो रहा है वो डी के डिस्टेंस का, वो डी रीजन में हो रहा है इसलिए हमने डी लिखा, तो क्योंकि बाकी सारा पार्ट तो सेम ही है, हाँ सेम ही है, हाँ सर सेम, बाकी वाला पार्ट तो सेम है, जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो इसी पार्ट में क्रिएट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग लिख लिया हमने, तो 2 पाई बाय लैम्डा माइनस ऑफ 2 पाई बाय यहां क्या लिखना चाहिए मुझे, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, यस सर, है ना? क्यों लिखा हमने सर, क्यों लिखा सर, वो इस 2 से पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर बोलो बेटा सर, एक वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गया, वेलोसिटी डबल हुई थी ना इसलिए वेवलेंथ भी डबल कर दिया, v इक्वल टू f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो चेंज किया नहीं हमने सर, मतलब वो फर्स्ट रीजन में वो था ना वेलोसिटी डबल, फर्स्ट रीजन मतलब हम इसको ले रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट, अच्छा ये s1 s2 के नोमेनक्लेचर्स है ना, ये हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट रीजन है, ठीक है? दिस इज फर्स्ट, ओ ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है, हां सर आप ठीक है, तो अभी इसको लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहां पे, दिस इज 2 पाई by 2 lambda and into d, ये आ रही है ना? हाँ आ रही है, तो ये phase difference by definition हमारे लिए कितने का होना चाहिए, 2 pi by lambda d x, उसने क्या बोला था, देखो आ गया, so that minima can be found at p, दिख रही है आपको, so lambda by 2, lambda by 2, तो इसको हम लोग किससे equate कर देंगे, लैम्डा बाय 2 से, सॉरी सॉरी, ये तो हमने फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया ना, फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया तो इसको पाई से इक्वेट करेंगे, है ना? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये ना? हां सर, फेज है ना, फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस नहीं है ना ये, हां पाथ डिफरेंस नहीं है, दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड इसको पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैम्डा की वैल्यू डी आ चुकी है, एंड लैम्डा की वैल्यू अगर डी हो गई है तो v की वैल्यू को अगर f lambda अप्लाई कर ले तो f की वैल्यू शुड बी v by lambda and therefore this becomes v by d हो गया आंसर, और सिर्फ स्मॉल d होगा, समझ आई सबको? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर, ठीक है सर, हाँ बेटा बोलो सर, मिनिमा बोला था तो पाई बाय 2 होगा ना, पाई ना, फिर से बोलो बेटा एक बार सर, वो जो पाई लिखा ना आपने, वो जो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू पाई, गधा आप भूल गया सर, ओ नहीं सर, नहीं ठीक ठीक सर, सब भूल गया है, ठीक है सर, ठीक है, जी 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 जी, नहीं सर ठीक है सर, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल at a location is y equal to 4 cos square t by 2 into sine of 1000 t. Find how many waves
ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपरपोज टू गिव दिस वेव. कितने वेव के सुपरपोजिशन से ये वेव बना है ये आपसे पूछ रहे हैं. देखो इस तरह के क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है वो पहले बात कर लेते हैं. अप्रोच ये होगा कि जब भी हम सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो आपको अगर याद हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि सुपरपोजिशन से अगर एक वेव वाई वन एम्पलीट्यूड का वाई वन डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है दूसरा वाई टू डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो रिजल्टेंट वेव निकालने के लिए हमें वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर ऐसे ऐड कर सकते हैं. याद है आपको? याद है. तो मेन कंसेप्ट यही है. तो आपको किसी तरह से ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इसको स्प्लिट करके अलग अलग वेव के सम में दिखा सके. तो यहाँ पे तो अभी ये नहीं दिख रहा है तो इसीलिए हमारा अप्रोच ये होगा कि ये जो पावर है कॉस स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसके पावर को पहले हम वन करते हैं. ठीक है, सबसे पहला अप्रोच ये होगा कि पावर को वन करें क्योंकि इस तरह से तो वेव बनेगा नहीं है. ठीक है, तो हमारा अप्रोच वहीं से शुरुआत करते हैं. तो वाई की वैल्यू को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज टू इंटू ऐसे लिख लें टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू एंड देन साइन ऑफ थाउजेंड टी. अब कॉस स्क्वायर फंक्शन है तो उसको कैसे लिखेंगे, टू कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला. तो इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, वन प्लस कॉस ऑफ टी इंटू साइन ऑफ थाउजेंड टी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर. हाँ सर. अब इसको ब्रेक करें तो ये हो गया टू साइन ऑफ थाउजेंड टी एंड प्लस टू साइन थाउजेंड टी इंटू कॉस टी लिखा जा सकता है. टू साइन ए कॉस भी दिख रहा है, दिख रही है टू साइन ए कॉस भी? यस सर. वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस के साथ. सो इसको लिख सकते हैं टू साइन ऑफ थाउजेंड टी प्लस साइन ऑफ थाउजेंड वन टी एंड प्लस साइन ऑफ नाइन सॉरी हाँ सॉरी साइन ऑफ नाइन 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 टी. यही आ रहे ना? हाँ सर. देखो तीन वेव का सुपरपोजिशन आ गया. देखो ये हो गया हमारा वाई वन, ये वाई वन हो गया. अभी एडिशन की तरह आ गया, मतलब सभी सुपरपोज करने वाला कंडीशन आ गया, ये वाई टू और ये वाई थ्री हो गया. समझ आई आपको? तो तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव हुए नहीं हुए? हाँ सर. ये वाई वन हो गया, ओमेगा वन कितना है इसका, थाउजेंड. इसका ओमेगा टू कितना है, थाउजेंड वन. और इसका ओमेगा थ्री जो है, ओमेगा थ्री दैट इज नाइन 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 हो गया आंसर. समझ आई सभी को? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज जो मुझे दिखानी थी मैंने दिखा दी है. डॉपलर इफेक्ट का कुछ एग्जांपल्स बचा हुआ है तो डॉपलर इफेक्ट वाला अगले दिन कर लेते हैं और उसके साथ साथ कुछ और भी करवा दूंगा आपको.